आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और अपनी सेहत की बेहतरीन हालत में हैं। और अगर खुदा न खास्ता सेहत की बेहतरीन हालत नहीं भी चल रही है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आते रहते हैं हेल्थ कॉर्नर पर, जहाँ पर हम डिफरेंट कंडीशंस को डिस्कस करते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और बहुत से लोगों को जिनके बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम उन पर डिस्कशन करते हैं और जितना हो सकता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से आज भी हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यूट्रिशन का रोल जो होता है प्रेगनेंसी के अंदर। अब बहुत सी औरतों को, ख़वातीन को इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है और वो अपनी मर्ज़ी से ही बहुत सी चीज़ें कर रही होती हैं, खा पी रही होती हैं या लोगों के मशवरों पे जा रही होती हैं, जबकि वो असल में उनको उसके पीछे का मकसद नहीं पता होता और ना ही वो ये जानती होती हैं कि जो भी प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर रही हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो इसलिए इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस टॉपिक पे अवेयरनेस लेके आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके आपको इस टॉपिक के ऊपर आगाह कर सके। आज हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं डाइटिशियन मिनाहिल मौज़ूम। अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं दुआ? एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई एम वेरी हैप्पी टू जॉइन यू, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी खवातीन को अवेयरनेस नहीं होती है, इनको मैनेज करना, इस पूरे क्रिटिकल टाइम पीरियड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मिनाहिल, एंड आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आज आप हमारे साथ, आपने हमें ज्वाइन किया है और इस टॉपिक पर बात करी है। चले मिनाहिल, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि जैसे मैंने पहले भी अपने इंट्रो में भी बोला कि ख्वातीन को पता नहीं होता कि वो जो वो चीज़ कर रही हैं या जिस प्रैक्टिस को वो फॉलो कर रही हैं वो ठीक है या गलत है। तो आपके लिहाज से ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो ग़िज़ा के लिहाज से हों या वैसे भी, जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं लेकिन ख्वातीन उनको नज़रअंदाज कर रही होती हैं या उनको कर रही होती हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो सही है या गलत है? बिल्कुल दुआ, सबसे पहली बात और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं ना, तो आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी भी किस्म के वेट इश्यूज हैं या कोई मेडिकल कंडीशन है, तो आपने उसको सबसे पहले मैनेज करना है। प्रायर टू प्रेगनेंसी ही आपने इन चीज़ों को देखना होता है, ताकि आपको बाद में कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आते हैं हम उन मिसकंसेप्शंस पर और मैल प्रैक्टिसेस पर, जो कि बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। क्या होता है कि खवातीन जो है वो डॉक्टर्स के एडवाइस को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रही होती, बल्कि अपने घर में मौजूद बुजुर्गों की टोकों पर चल रही होती है। नो डाउट वो भी यूज़फुल होते हैं, लेकिन हर एक की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और हमारी अब इन्वायरमेंट पहले से काफ़ी बदल चुकी है। हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ साथ हमारी डाइट जो है, ये सब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को लेकर चलना, फिज़िकल एक्टिविटी को लेकर चलना बहुत जरूरी है। अब यहाँ क्या होता है कि खास तौर पर बहुत कॉमन एक जो मिसकंसेप्शन है, हमारे खवातीन को कहा जाता है कि जो स्टार्ट वाले टाइम पीरियड होता है कंसेप्शन का, उन दिनों में आप कुछ खाने, जिनको कंसीडर किया जाता है कि वो गर्म तासीर के हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अंडा हो गया, गोश्त हो गए, सीड्स और नट्स। अब इस सिचुएशन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पहले से बहुत बढ़ जाती है, तो अगर हम यही चीज़ें कंज्यूम नहीं कर रहे होंगे तो ये तो बहुत मसाइल कॉज करेगा। तो इसलिए इन माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि आप स्ट्रेस लेवल्स की वजह से भी नुकसान या कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं, अगर आप कुछ खानों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जो गर्म तासीर वाले खाने होते हैं उनको आप पेयर कर लें वो खाने जो आपको लगता है कि वो ठंडी तासीर रखते हैं, ताकि आपको ये खाना कोई रिस्ट्रिक्ट भी ना हो, कोई न्यूट्रिएंट रिस्ट्रिक्शन भी ना हो, और आपके जो फेयर है वो भी ख़त्म हो जाए इससे रिलेटेड। तो अपनी डाइट का ध्यान रखना, बैलेंस डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इन मिसकंसेप्शंस को चेंज करना अब ज़रूरी है। थैंक यू मिनाहिल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हमारी खवातीन डॉक्टर्स की एडवाइस की बजाय ज़्यादा फोकस करती हैं बुज़ुर्गों की एडवाइस पर या टोटकों पर, जो कि बहुत सालों से चले आ रहे हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती है। तो इससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट के एडवाइस को फॉलो करें, जानें कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। तो उसके बाद एक तो ये मसला है कि जी बहुत इधर उधर की बातें सुनी जाती हैं, दूसरा एक वेट को लेके भी बड़ा मसला होता है प्रेगनेंसी में। बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जो कि बहुत वेट कॉन्शियस या हेल्थ कॉन्शियस होती हैं प्रेगनेंट होने से पहले,
लेकिन जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो एक वेट गेन होना एक नेचुरल चीज़ है, तो वो उसके दौरान भी वेट लूज़ करने की कोशिशों में लगी रहती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखती और जो भी उनको कहा जाता है आप ये भी खा लें आप ये भी खा लें, जिसमें से बहुत सी चीज़ें नुकसानदेह भी होती हैं, वो खाती रहती हैं और उनका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि वेट को किस तरह से जो है वो प्रेगनेंसी में उसका क्या रोल है और वो कितना ज़रूरी है उसको मैनेज करना? अच्छा दुआ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वेट को मैनेज करना, अगर कोई भी वेट इश्यूज हैं, वेट बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत ज़्यादा कम है रिकमेंडेड अमाउंट रेंजेस से, तो उसको आपने प्रायर टू कंसेप्शन ही मैनेज कर लेना है, ठीक है, जब आप प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ खवातीन जो है वो नहीं कर पाती हैं और वो बहुत कॉन्शियस भी होती है और फिर वो ड्यूरिंग कंसेप्शन हमारे पास आ रही होती है कि मैं नहीं चाहती कि वेट ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा गेन कर ले, जबकि उनको ऑब्वियसली ये नेचुरल फिनोमेना और इसमें वेट गेन होना है, ठीक है, तो उनको हम डाइट बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम पीरियड में उन्हें बैलेंस्ड ग़िज़ा लेना होती है। इसी तरह जो अंडरवेट होती हैं और जो वेट गेन और पहले भी नहीं कर पाती हैं और उस दौरान भी वो ठीक से खा पी नहीं रही होती, तो ये बहुत नुकसानदेह होते हैं उनके लिए भी और बेबी के लिए भी। इससे बेबी की डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाती है, नरिशमेंट नहीं होती, तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो 12 to 18 kg के दरमियान लाजमी इस पूरे टाइम पीरियड में वेट गेन करें ताकि कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। इसी तरह जो ओबीज होती हैं और जो बहुत ज़्यादा खा रही होती है खाना और वो ऑलरेडी भी उनका बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो वेट तो ऑब्वियसली नेचुरली बढ़ेगा, उनको ग़िज़ा भी प्रॉपर लेनी है, लेकिन रिकमेंड किया जाता है उनको कि वो 7 to 8 kg से ज़्यादा वेट गेन ना करें, उसी के अंदर रहकर अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करें और बैलेंस्ड ग़िज़ा का इस्तेमाल करें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हों और साथ ही साथ जो बेबी की डेवलपमेंट होती है नरिशमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी उनको प्रॉपर अमाउंट में मिलते रहें। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि एक तो हमें इन चीज़ों का पहले ध्यान रखना चाहिए और अगर ड्यूरिंग द कंसेप्शन पीरियड भी जो है वो कुछ वेट गेन्स हो रहे हैं तो जो कमज़ोर औरतें होती हैं पहले अंडरवेट होती हैं उनके लिए भी एक रेंज है, उन्हें चाहिए कि वो उसमें अपना वज़न ज़रूर बढ़ाएं, और जो पहले से जो है वो मोटापे का शिकार होती हैं उनके लिए भी एक रेंज है कि मतलब वो बढ़ा सकती हैं बट एक रेंज के अंदर, तो अगर हम इस रेंज में रह के चलेंगे तो हम बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। अच्छा मिनाहिल, इसके अलावा हमने बात कर ली, वेट की भी बात कर ली और हमने कुछ मेल प्रैक्टिसेस की भी बात कर ली जो हम कर रहे होते हैं, उसके अलावा ऐसा होता है कि हमारी ग़िज़ाएँ अब इस तरह की हो गई हुई हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो मिल नहीं रहे होते हैं, हम इधर उधर की चीज़ें ही ज़्यादा खाते रहते हैं, बस ज़्यादा हमारा फोकस टेस्ट पर होता है या जो टेम्प्रेरी सेटिस्फेक्शन होती है जंक फूड फास्ट फूड खाने की उस पर ही हम लोगों के ज़्यादा जो है वो फोकस आ रहा होता है, तो ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका हमारी ग़िज़ा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम पीरियड पे लेकिन हम उसे नहीं खा रहे होते, और वो न्यूट्रिएंट्स हमें किन ग़िज़ा के सोर्सेज से मिल सकते हैं? अच्छा दुआ, सबसे पहले तो हमने बात पहले भी की कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है इस ड्यूरेशन में, उसके साथ साथ जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फॉलिक एसिड और आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फॉलिक एसिड खास तौर पर जो स्टार्ट के डेज होते हैं ना उस टाइम पर बहुत ज़रूरी होता है, अक्सर औकात खवातीन को पता भी नहीं होता कि उन्होंने कंसीव कर लिया और उसी दौरान जो है, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए एक क्रिटिकल टाइम होता है, उसी में उस ऑर्गन ने डेवलप होना होता है और उसी के ये खास न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट स्टार्ट में बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए हम लोग जब खवातीन कंसेप्शन के लिए प्लान कर रही होती हैं हम उनकी जो है डाइट में उसी टाइम पर रेकमेंड करते हैं कि फॉलिक एसिड की इंटेक बढ़ जाए जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस लिहाज से। उसके अलावा आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बहुत सी खवातीन एनीमिया का शिकार होती हैं, खून की कमी जो होती है वो बहुत से मसाइल कॉज कर सकती है, साथ ही साथ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब इनको हम डाइटरी सोर्सेज से कैसे ले सकते हैं, प्रोटीन और फॉलिक एसिड आयरन को तो हमने जितने भी हमारे प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं जैसे गोश्त अंडा चिकन उसके साथ साथ दालों का इस्तेमाल लाजमी करें अपनी डाइट में, इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करें। फिर कैल्शियम के लिए हम जितने भी डेयरी सोर्सेज होते हैं जैसे दूध दही और चीज़ इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड ऑन करें तो ख़वातीन के लिए बहुत बेहतर होता है और उनको बैलेंस ग़िज़ा को अपनी डाइट में मतलब अपनी ग़िज़ा को बिल्कुल बैलेंस करना है, सारे फूड ग्रुप्स को ऐड ऑन करना है क्योंकि सभी न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाती है इस टाइम में। ठीक है मिनाहिल, आपका बहुत ज़्यादा आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं रेसिपी की तरफ, हम लोग हर एपिसोड में आप लोगों को एक रेसिपी भी बताते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड
जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका कोई ना कोई न्यूट्रिशनल जो है वो बेनिफिट भी होता है आपकी हेल्थ पे। वैसे तो ये काम हमारी एक बहुत काबिल न्यूट्रिशनिस्ट फिज़ा तारिक का होता है, जो कि न्यूट्रिशन कोच पे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लेकिन इस दफ़ा शायद वो थोड़ी सी बिजी थी, तो हम लोगों ने फिर मिनाहिल से ही रिक्वेस्ट की कि वही हमारी अपनी मज़ीद नॉलेज शेयर करें और हमें कोई ऐसी रेसिपी भी बता दें जो कि ख़वातीन जो कि इस टाइम पीरियड से गुजर रही हैं उनके लिए काम आ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी उन्हें प्रोवाइड कर सकती है। तो मिनाहिल, आपने क्या रेसिपी बनाई थी? आप बस नाम बता दें, उसके बाद हम अपने व्यूअर्स को दिखा देंगे कि आपने क्या रेसिपी बनाई है और क्या आपने उसमें उनको गाइड किया। बेसिकली एक प्रोटीन रिच सैलेड है जिसमें हमारी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट्स, फाइबर रिक्वायरमेंट्स और इसके साथ बाकी मल्टी विटामिंस और मिनरल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इस दौरान प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती है, उसके साथ साथ बहुत से दूसरे मसाले जैसे कॉन्स्टिपेशन का इशू आ रहा होता है। तो इस सैलेड को अगर आप अपनी डाइटरी रूटीन में ऐड ऑन कर लेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है मिनाहिल, तो चलिए व्यूअर्स आइए देखते हैं कि वो क्या सैलेड है जो मिनाहिल ने हमें रिकमेंड की है, और आप उसे ज़रूर अपनी डेली रूटीन में शामिल करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वो कैसी लगी और उसने आपको किस तरह से फ़ायदा दिया। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन में तमाम न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर पर प्रोटीन की, तो मैं आपको एक ऐसे सैलेड की रेसिपी प्रोवाइड करूंगी जो प्रोटीन रिच होने के साथ साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स का भी बेहतरीन ज़रिया है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए रेड किडनी बीन्स, बॉइल्ड चिकन, आप इसको ग्रिल करके या किसी और फॉर्म में भी ले सकते हैं, फिर जो भी वेजिटेबल्स आपको घर में अवेलेबल हैं या जो भी आपको पसंद है आप वो वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ली है अनियन, टमाटो और क्यूकम्बर। इसके साथ साथ कुछ इसको चटपटा बनाने के लिए, क्योंकि ख़वातीन को क्रेविंग्स भी होती है, तो मैंने इसमें कच्चा आम, चाट मसाला और फ्रेश करियंडर लीव्स लिए हैं, और इसमें आप और भी स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। अब इनके बेनिफिट्स की बात करें तो रेड किडनी बीन्स और चिकन प्रोटीन का बहुत बेहतरीन ज़रिया है। रेड किडनी बीन्स हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं नॉन हीम आयरन, जबकि चिकन जो है वो हीम आयरन प्रोवाइड करता है, और चिकन प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को भी बेहतर बनाता है। फिर बात करें अगर वेजिटेबल्स की, तो ये फाइबर का बेहतरीन ज़रिया होते हैं, उसके साथ ही साथ हमें बहुत से इंपॉर्टेंट विटामिंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लास्ट में कुछ हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं। इसके साथ साथ हमने इस सैलेड को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसमें चॉप्ड केरी ऐड की है, आप चाहें तो लेमन जूस या फिर इमली का पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये विटामिन सी का बेहतरीन ज़रिया होते हैं जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहे होते हैं। ये सैलेड न्यूट्रिएंट रिच होने के साथ साथ आपकी क्रेविंग्स को भी फुलफ़िल करेगा, उसके साथ साथ सेटाइटी भी प्रोवाइड करेगा। वो ख़वातीन जिन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट इश्यूज होते हैं या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होती हैं, वो इस सैलेड को एज अ स्नैक ले सकती हैं। ऑलराइट, चले मिनाहिल, थैंक यू सो मच कि आपने हम लोगों को इतना अच्छा सैलेड रिकमेंड किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के साथ और बात करते हैं कुछ सप्लीमेंट्स की। हम लोग हमेशा अपने प्रोग्राम में सप्लीमेंट्स भी ज़रूर बताते हैं, क्योंकि आजकल सप्लीमेंट्स का रुझान हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन लोग वही बात कि अपनी मर्ज़ी से जाके सप्लीमेंट्स ले आते हैं, किसी ने कह दिया कि ये वाला खा लो, उन्होंने खा लिया। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं, कोई 2 से 3 सप्लीमेंट्स या कोई इंग्रेडिएंट्स या कोई न्यूट्रिएंट्स ऐसे बता दें जो हमारे व्यूअर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो कंज्यूम करने चाहिए? बिल्कुल, दो सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, बहुत से न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप अपनी डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे होते। जैसे बताया मैंने कि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है न्यूट्रिएंट्स की और आप अपनी डाइट से नहीं ले पाते। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी आपको डाइट से प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा होता, तो आपको सप्लीमेंट से ही लेना पड़ता है। उसके साथ साथ फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स और ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सबको हमें डाइटरी रिकमेंडेशंस के साथ साथ इनको भी रिकमेंड करना होता है। और मैं ख़वातीन को यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी सप्लीमेंट वो अपने खुद से ही जाकर ना ख़रीद लें और उसको कंज्यूम करना स्टार्ट ना कर दें, क्योंकि हर एक के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अपनी हेल्थ प्रोफेशनल की रिकमेंडेशन के बाद ही वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, और ये ज़रूरी भी है तो उनसे कंसल्ट लाजमी करें। ठीक हो गया, और ये बिल्कुल सही बात है, हर किसी की ग़िज़ा भी डिफरेंट होती है, हमें पहले उस ग़िज़ा को असेस करना पड़ता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो ले रहे हैं, कौन से नहीं ले रहे। हो सकता है एक न्यूट्रिएंट आप ले रहे हो लेकिन आप उसका सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर दें, उसकी आपको ज़रूरत ही ना हो, लेकिन जिसकी आपको ज़रूरत हो आप उसका सप्लीमेंट ना ले रहे हो।
तो इस तरह के बहुत से इश्यूज आ जाते हैं, तो इसलिए एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो हम एक ईमेल भी क्वेश्चन भी लेंगे। हम लोग आपको हमेशा कहते हैं कि आप अपने क्वेश्चन हमें ईमेल पर भेजें, हम उनको भी एड्रेस करेंगे। तो हमारे पास आज क्वेश्चन है अनीला का फ्रॉम फैसलाबाद। शी इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू हर प्रेगनेंसी और उनका एक बहुत इशू है कि जी कॉन्स्टिपेशन बहुत उन्हें फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मसला हो रहा है। तो वो चाह रही हैं कि उस मसले के लिए उनको कुछ आप रिकमेंड कर दें कि वो कैसे अपनी कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करें, क्योंकि काफ़ी सुवेर उनको इशूज़ हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है ना वो बहुत कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूजुअली हो रहा होता है। फिर कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत सवेयर होती है तो वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ भी लेकर जाती है, तो इसको मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में, जैसे मैंने अभी आपको सैलड की रेसिपी प्रोवाइड की है, वो फाइबर रिच सैलड है, तो आपने इसी तरह फाइबर रिच चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड आउट करना है, जिसमें फ्रूट्स आ जाती हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, होल ग्रेन्स और सीरियल्स आ जाते हैं, इनको अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। उसके साथ ही साथ जितने भी रिफाइंड फूड्स होते हैं, जैसे कि मैदा या फिर बेकरी की जितनी चीज़ें होती हैं, उनको अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर दें फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि इस टाइम पर आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। उसके साथ साथ हाइड्रेशन को मेंटेन करें, पानी का इस्तेमाल जितनी आपकी फ्लूड रिक्वायरमेंट है उतनी रेंजेस में लाजमी करें। और फिर लास्ट में आ जाती है फिजिकल एक्टिविटी। अगर तो अनीला आपको आपके डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है फिजिकल एक्टिविटी, लाइक अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि हर एक की डिफरेंट कंडीशन होती है मेडिकल कंडीशन, और किसी को रिकमेंड कर दिया जाता है फिजिकल एक्टिविटी और किसी को नहीं करते हैं, तो अगर तो आपको रिकमेंडेड है तो फिर आप हल्की फुल्की सी वॉक लाजमी अपनी रूटीन में शामिल करें। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो कम से कम हो। ठीक है, थैंक यू सो मच मिनाहिल। आई होप अनीला आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी और हमारे बाकी के व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। आप ज़रूर अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में दें। अब हम चलते हैं इख्तिताम की तरफ। थैंक यू सो मच मिनाहिल अगेन कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स को इतने अच्छी अच्छी तरीके से आपने गाइड किया है, और बहुत अच्छी समझ आई है, मुझे तो बहुत अच्छी समझ आई है, एंड मुझे लगता है बाकी सबको भी आई होगी अगर मुझे आई है। तो अब हम चलते हैं इख्तिताम की तरफ। मिलेंगे आपको एक और एपिसोड के साथ जिस पे हम मज़ीद किसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर कोई टॉपिक आप लोगों के जहन पे है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो आप हमें उससे भी अवेयर कर सकते हैं, हम उसको भी ज़रूर कंसिडर करेंगे। और मिलेंगे एक और एक्सपर्ट के साथ, एक और टॉपिक के साथ जल्द ही हेल्थ कॉर्नर बाय न्यूट्रिशन कोच पर। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।